साल चारा बर्फ है और तो खेत अब टूटने वाले बर्फ नहीं। पैर सुन पड़ गए। चंदर चंदर भागा भागा पाकिस्तान जाती है। पाकिस्तान जाती है। पैराग्लाइडिंग हो रही है। हाँ मैं चला रहा हूँ। ये पता ही नहीं लग रहा। हे गाइस वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो आज हम जा रहे हैं रोहतांग और ये हमारी टैक्सी होने वाली है। इस टैक्सी में जाएंगे तो अभी कितना टाइम लगेगा अंकल पहुंचने में? 9:10 बजे। 9:10 बजे तक? अभी 5:30 हो रहे हैं तो 9 बजे तक पहुंच जाए अंकल ऐसा कह रहे हैं। अब देखते हैं निकलते हैं। तो सामने काफी अच्छी बर्फ वगैरह पड़ी है वहाँ पे। वहीं पे सामने रोहतांग। ठीक है। हमने आज स्नो के लिए ड्रेस ली है। बाकी यहाँ के रोड्स काफी डेवलप हो चुके हैं पहले से। हम लास्ट टाइम आए थे 2015 में, उससे बड़े बेकार रोड थे। आके अब बहुत सही बन चुका है। हम पहुंच चुके हैं रोहतांग और ये पूरी बर्फ। यहाँ बर्फ ही बर्फ है। तो हमारा ड्राइवर कहते हैं इस साल ज़्यादा बर्फ है, वरना इतनी बर्फ होती नहीं जून तक। बाकी बहुत भीड़ यहाँ पे पॉइंट पॉइंट पे। और ये हम सब ने ड्रेस डाल रखी है स्नो वाली। थक गई। चल तो रही नहीं है। बैठो बैठो। चल रही क्या? तुम भी बैठ के इसमें चल ही रहा है। चल गई थोड़ी बहुत चली। मैं चलाने वाला हूँ। कैसे स्टॉप? ये हॉर्न है सर। ठीक है। ये रेस है। ठीक है। ये ब्रेक है। तो यहाँ मैं चला रहा हूँ पर यार रेस नहीं ले रहा। ज़्यादा भरी हुई है, मतलब की पूरी पूरी है। अगर ज़्यादा हो भरी हुई हो तो चलती नहीं है, तो हवा कम करते हैं। मेरे को नहीं मज़ा आया। चला ही नहीं इसलिए ना। मौत का खेल अब टूटने वाले हैं बर्फ नहीं। ग्रेस भी दबाई जा रही ढंग से। दबा रही हूँ। चलाओ चलाओ चलाओ। सामने ध्यान से, सामने वो है। बस बस हो गया खत्म। ये शुरू होते ही खत्म हो गया। और हम निकल गए हैं नई सवारी के लिए। नहीं हम वीडियो में बोल रहे हैं। चले। हाँ चलो चलो। ओह जितना आते हुए थक के जाते हुए पता ही नहीं लग रहा।
ये तो खत्म भी हो गया जैसे शुरू हुआ। नीचे गिरेंगे और शायद हम फिसल के झटका लगेगा एकदम से। ए ए ए ए ए ए ए ए ए आराम से हो गया हो गया हो गया। पहुंच गए पहुंच गए पहुंच गए। खींच लो दोबारा मेरे को। अब लेंगे हम ड्रोन शॉट। उड़ता है कि नहीं? हवा बहुत है यहाँ पर ऐसे तो। पैर चल गया कीचड़ में, शूज में सारी बर्फ चल गई। अब लग रही है ठंड। ये भी वो जा रहे मम्मी डैडी ड्रोन अभी शॉट लिया है। तो अभी हमने कुछ ड्रोन शॉट लिए, होप आपको अच्छा लगा हो, क्योंकि यहाँ रोहतांग के बहुत कम ड्रोन शॉट्स मिलते हैं। मिलते भी हैं तो कुछ खास नहीं होते, मेरे भी कुछ खास नहीं होंगे क्योंकि मैंने काफ़ी कम एरिया में उड़ाया, बस इतने से एरिया में उड़ाया क्योंकि मुझे थोड़ा डर था कि ड्रोन गिर ना जाए, क्योंकि रिसेंटली मेरा भी ड्रोन गिरा था 1 महीने पहले। 1 महीना भी नहीं हुआ, 20-25 दिन हुए हैं, तो उसको ठीक कराने में अच्छा खासा पैसा तो नहीं लगा, पर हाँ मतलब कुछ चीज़ें ना फ्री होती ड्रोन के साथ, उससे ठीक हो गया। तो जब ड्रोन लैंड कराना था, मैं यहाँ लैंड कराने वाला था, वो बीच में वो था, मुझे लगा वो बीच में थोड़ा पानी के पास ना जो स्नो है थोड़ी हार्ड होगी, पर वो लाइट थी और मेरा पैर धस गया और पूरा पानी पानी हो गया जूते के अंदर, पैर सुन पड़ गए, ऐसी बर्फ थी। उधर सामने एक छोटी सी मोनेस्ट्री है, पता नहीं किस चीज़ की मोनेस्ट्री होगी, अब मेरे को तो पता नहीं मोनेस्ट्री के बारे में। बाकी ये पूरा व्यू देखो, इस साइड लग रही है कि बर्फ ज्यादा है भी है, पर यहाँ गंदी वाली बर्फ है, यहाँ पे अच्छी बर्फ है उस साइड में, इस साइड लोग कम है, उनको लग रहा है कि बर्फ यहाँ कम है, कम के चक्कर में वो आ ही नहीं रहे, पर यहाँ साफ बर्फ है थोड़ी कंपेरिजन टू दिस। ये एक वाटरफॉल में रुके हम, ये पानी वहीं से आ रहा है रोहतांग से, सारी बर्फ पिघल के आ रही है, पानी आ रहा है और नदी में जाके मिलेगा। उस रिवर का क्या नाम है जो नीचे है? चंद्रभागा। पाकिस्तान जाती है? पाकिस्तान जाती है। ये फिर ब्यास से मिलके जाएगी ना इसमें? वो अलग है, अलग है। तो हम स्पीति वैली के रास्ते से और अटल टनल के रास्ते से होते हुए यहाँ आ गए। क्या नाम से इसका? सोलांग वैली। हाँ सोलांग वैली। तो यहाँ पैराग्लाइडिंग हो रही है, नाम की हो रही है, वहाँ से उड़ते हैं और यहाँ उतार देते हैं। कितना मुश्किल है, 300-400 मीटर है ये, उतर जाएंगे। लो उतर भी गए। हम आए जिप लाइन के लिए, वहाँ तो काफ़ी महंगा रेट था, यहाँ करेंगे जिप लाइन। कैसा लगा मम्मी? अब हम आए हडिम्बा टेंपल और अपनी कार से ही आए हैं, क्योंकि टैक्सी वाले ने बस उसी के पैसे लिए थे रोहतांग पास के लिए, और अब यहाँ है हडिम्बा टेम्पल, एरा घटोत्कच टेम्पल भी है। यहाँ पहले वैसे मैं आ चुका हूँ 2015 में। सामने हडिम्बा टेम्पल,
भीड़ तो लग रही है, पता नहीं कितनी है। हिडिंबा टेम्पल के लिए मेन एंट्री वहाँ से है, जो हमने एंट्री करी वो बैक साइड था, और यहाँ पे मेन भीड़ भड़क कहाँ पे है। और फिर टेम्पल ले रहा, टेम्पल का फ्रंट व्यू है पूरा, और अच्छी खासी लाइन है, ये लाइन जा रही है और वो वहाँ से स्टार्ट हो रही लाइन। मत्था टेकने के लिए लंबी लाइन, वैसे बहुत पीछे तक है, दिखेगी नहीं है। ये यहाँ का कंकाल लगा हुआ है, शायद पहले का भी निकला होगा यहाँ पे। वैसे हिडिंबा टेम्पल है, ये खाती भी थी क्योंकि असुर थी। टेम्पल के अंदर दर्शन हो चुके हैं, बस अंदर एक फुटप्रिंट सी है। एक बंदा वायलिन बजा रहा था, तो मैंने मम्मी को कहा कि पैसे देते हैं उसको। मम्मी ने तुम क्या किया, 200 का नोट निकाला पर्स से, और फिर कह रही खुले लेने मैंने उससे, उससे 100 रुपए का नोट और चेक कर, 200 भी अपना चेक लिया। मम्मी क्या बोलना चाहोगे इस बारे में? तो हमने वैसे मोस्टली जगह घूम ली जो हमें पता रहा, वैसे हमने इतना ही घूमना था, और मम्मी ने कहा फिर घूम ही लिया तो निकलते हैं। तो भी बज रहे हैं 3, तो हम वहाँ से मनाली से निकल गए। मनाली से बाहर आके हमने भी लंच करने लगे 3 बजे, और लंच करके निकल लेंगे हम डायरेक्ट, तो लगभग 10-11 बजे तक पहुँच जाएंगे अगर जाम ना मिला तो। अब देखो कब तक पहुँचें।